आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इस नगरी में नौदर ना प्रवेश होता है। वे तो यदवंशी हैं, ग्वाल बाल हैं, मथुरा में जाना है राज घराने में। तो बालक को हट करे शादी ब्याह में कहीं जाना हो तो कहता है मेरे पास पहनने के कपड़े नहीं तो मैं कैसे जाऊं, लोग क्या कहेंगे। अक्सर मैं कथा में कहता हूँ, आदमी समाज के भय से और मौत के भय से काफ़ी कुछ काम करता है, लेकिन मैं कहता हूँ इस समाज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाज आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। सोशल इज द इंडिफरेंट एटीट्यूड। समाज के सोचने के भिन्न भिन्न विचार हैं। पति ने अगर पत्नी का केयर किया तो बोले पत्नी का गुलाम हो गया, नहीं किया तो ससुराल वाले लठ बजाएंगे कि पति नाम की बीमारी का ही कितना जरूरी। माँ बाप की सेवा की तो बहू बोलेगी माँ बाप के ही सुनता, नहीं किया तो समाज बोलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि जिस कार्य में हमारे हृदय को आनंद होता है, जिस कार्य में हमारे प्रियतम को आनंद होता है, उसी के आनंद में परमात्मा को आनंद होता है। इसलिए वो कार्य करने में समाज से मुझे कोई भय नहीं। जा रहे करे भैया तो मथुरा में जा रहे हैं और हमारे पास तो ढंग के कपड़े भी ना। मैंने एक शब्द कहा है आजकल ना राजनीतिक, कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं।
कन्हैया जी ने कहा कोई नहीं, वो धोबी जी हैं, कपड़े धो रहे हैं, उनके पास से मांग लेंगे। कन्हैया ने दाऊ बलराम दोनों जाने के तभीया, ये थोड़े से सुंदर वस्त्र हमें भी दे दो, हमें भी राजघराने में जाना है, हमारी भी शोभा बढ़ जाएगी। कहते ना तुझे कैसे दे दे, तो राजा कंस के कपड़े हैं। हम नहीं दे सकते तुझे। बलराम जी ने कहा नहीं मानेगा भाई, अंधा बाटे सिंधी अपने अपने को दे, हमारे कौन से हाथ टूट गए जो छीन के ना ले। फिर उनको कहते हैं भाई ये महाराज कंस के वस्त्र हैं, तो हम उन्हीं के हाथ तो जा रहे हैं, जानते नहीं हमें वो कितना सम्मान करते हैं, लेने के लिए भेजा है, अपने रिश्ते नाते को बताते हैं, पर नहीं सरकार मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। और मुष्टि का प्रहार से उसको प्रभु ने मोक्ष पहनाया, मोक्ष दिया और वस्त्र धारण किया। आगे जाते हैं, कुब्जा मिलती है, कुब्जा के हाथ में केसर चंदन की थाली है, सिंगार का सामान है। कहते हैं हमें भी लगा दे। बोले मैं तो राजा को लगाऊं। बोले राजा ने क्या दिया? बोले राजा ने तो कुछ नहीं दिया। तो बोले काम कर, स्त्री अगर कह दो कि तू काली से गोरी हो जाएगी ना, तो पति को रोटी भी ना दे, उसके पीछे ही लग जा। अगर नू कहने ना कि ये लगा ले तेरे पिंपल्स चले जाएंगे, तो बच्चे को दूध ना पिलावे, पर वो क्रीम लगाने में ही रह जाएंगे रात दिन। अब यहाँ भी ऐसी है। कन्हैया जी ने नू कह दिया कि तेरे कंस ने तुझे दिया क्या? बोले जी जहाँ बसे इसमें सुंदर देशु, जो प्रतिपालिए वही नरेशु, ये मेरे राजा है। बोले फिर कुब्जी चलती है, कन्हैया जी सता रहे, लंगड़ी लूली ऐसी चलती है, वाखड़ी तिकड़ी, तुम वो चंदन दे दे। बोले तो क्या करेगो? बोले तुझे सुंदरी सो बना दोगे, तुम 16 साल की वाखड़ी नहीं सिद्धि कर दोगे। अब इनसे तो जो चाहिए वो करवा लो। अगर एक बार इनसे कह दो कि भाई आप सुंदर हो जाओगे, तो सुबह से लेके शाम पर आज तक तो मेरे ख्याल से 11 बजे के बाद भी टीवी चैनल पर देखते रहते हैं कौन सी कंपनी का एडवर्टाइज है, ब्रह्मांड कॉस्मेटिक है कि रामदेव का हर्बल है, किसका हर्बल है, उसे ही देखती रह जाए। मेरी बहनों, अंदर से हृदय में गुण की सुंदरता बढ़ा लो, ये तो खाली स्क्रीन एलर्जी के काम है। इन भूतों को दूर रखो, थ्रेडिंग, फेसिंग, फेसल, पता नहीं और कितने भूत, मैं नाम भूल जाऊं तिवारी जी आप याद कर लेना। फेसिल कराना है, थ्रेडिंग कराना है, आईब्रे कराना है, तो बाद में स्क्रीन एलर्जी ले लेना है। इतने भूत लगा के बैठे। अब यहां पर कुब्जा के कमर पे प्रहार किया और वो फिर से सुंदरी बन गई और चंदन भी ले लिया। अब यहां देखा राजनीति की बात, धोबी मामा यानी निम्न वर्ग और कुब्जा यानी आदिशक्ति, भारत में चार प्रकार के लोग हैं, ये बी सी और डी। ये वालों का तो काम होना ही है सरकार किसी की बने, क्योंकि यहाँ सब कुछ बिकता है। बी वालों के अपने घर परिवार संसार से कोई मतलब है, मन में आया तो वोट डाले, नहीं डाले पर भीड़ बढ़ाना, हाय हाय करना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये वो करने का काम कौन करे? सी और डी ग्रेड। अब ओबीसी और इसकी बात आ जाए तो निम्न जाति के लोगों को कन्हैया ने अपने पक्ष में कर लिया है, धोबी मामा का उद्धार करके, और माताओं को अपने पक्ष में कर लिया है कुब्जा का उद्धार करके, और संदेशा भी दे दिया है कंस को कि मैं आ गया हूं। इसे कहते हैं राजनीति, कि सामने वाले को पता भी ना लगे, झटका जोर का हो पर लगे धीरे से। और आज भी अगर ये माताएं और छोटे वर्ग के लोग जिसके साथ हो गए, सरकार उसी की बन जाती है। कुब्जा का उद्धार किया है चंद पल,
ध्यान केंद्रित करके कथा की तरफ श्रवण करेंगे, चर्चा ना करें ज्यादातर, शांत चित रहें। मामा, मामा में दो माँ है, यानी दो माँ का प्यार जहाँ मिले उसे हम मामा का घर कहते हैं। भारत में दो पात्र ऐसे हुए जिन्होंने इस रिश्ते को कलंकित कर दिया, एक कंस और दूसरा शकुनी। स्वागत करके बुलाया है लेकिन उद्देश्य वही है, गोकुल में कन्हैया थे तो मृत्यु के लिए उनके अनेक खड्यंत्र करता रहा, और यहाँ भी व्योमास कुबलिया पेड़ सबको दरवाजे पे खड़ा कर रखा है कि भाई अगर उस द्वार से निकले तो यहाँ कहाँ, यहाँ से निकले तो यहाँ कहाँ, कंस तक पहुँचने से पहले उनका अंत हो जाए, क्योंकि वो याद है कि किसी आकाशवाणी या व्योमवाणी जो हुई थी उसने कहा था कि देवकी के आठवें पुत्र से मृत्यु होगी, और जब कन्या यानी योग माया को फेंक रहा था तो उसने कह दिया था कि सुरक्षित है, तो आज ये सब कुछ कर रहा है वो सिर्फ मृत्यु के भय से। मैंने कहा ना, समाज का भय और मृत्यु का भय। आज के मानव का स्वभाव पानी के जैसा है, जैसे उतले हुए स्वार्थ मात्र के लिए हम कोई भी अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे किसी का प्राण चला जाए, सामाजिक छवि क्षीण हो जाए या निज गौरव का हनन हो। जैसे पानी नीचाई की ओर बहता है, ऊपर बह नहीं सकता, ऐसे ही आज के स्वार्थ पर जमाने में लोगों की टेंडेंसी हमेशा लोअर ही हुआ करती है, ऊपर आ ही नहीं सकती। ये उसके अवगुण को सीखते हैं लेकिन पानी के गुण को नहीं सीखते कि ये पानी सबकी तृप्ति कराता है, चाहे शत्रु हो या मित्र, आस्तिक हो। Yeah.
शरणम ओम नमो शांति रंतरिक्षम शांति हे पृथ्वी शांति राप शांति रोग शांति हे वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति हे सर्वगुण शांति हे शांतिरेव शांति हे सामा शांतिरेधि हस्ते पुष्पाणि आदाय मंद पुष्पाञ्जलि हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न प्रियनाकं महिमानः सचंत जन्म पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे रामदासाय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् सेवंती कामकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पै विल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी मे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् शाकाय सायुधाय सशक्ताय सामानाय सपरिकराय मंडल मंडल देव सहिताय।